नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां से आईटी रेड में 284 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने के बाद अब जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने मयूर वनस्पति के मालिक के घर और ऑफिस पर छापेमारी की। मयूर वनस्पति के मालिक सुनील गुप्ता का घर सिविल लाइन्स इलाके में है, जबकि ऑफिस ग्रीन पार्क के सामने है। इस छापेमारी में जीएसटी की टीम को 10 करोड़ रुपए के झूठे इनपुट टैक्स क्रेडिट का पता चला, जिसके बाद से मयूर वनस्पति के मालिक डीजीजीआई की रडार पर आ गए हैं। हालांकि कंपनी के मालिक ने टैक्स का भुगतान करने की बात को स्वीकार कर लिया है। खुफिया सूचना के आधार पर जीएसटी की टीम ने मयूर वनस्पति के कार्यालयों और फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की। दरअसल जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की टीम ने कई घंटे तक मौजूद संबंधित लोगों से पूछताछ भी की। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के अलावा जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की टीम भी इस छापे में शामिल थी। यहां से बरामदगी के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि लखनऊ जीएसटी टीम ने मयूर वनस्पति के बाद पान मसाला कारोबारी के यहां पर भी छापा मारा है। फिलहाल जीएसटी टीम ने सभी कागजात अपने कब्जे में ले लिए हैं। कार्यालय में अधिकारियों ने कागजों में खरीद बिक्री का मिलान किया, जिसके बाद पता चला है कि इसमें फर्जीवाड़ा है। गौरतलब है कि कलेक्टरगंज स्थित कार्यालय मयूर वनस्पति का मंगलवार शाम 6 बजे ही बंद हो गया था, जबकि वो रोजाना कार्यालय रात 8 बजे बंद होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।